राम राम भाई सारा ने भाइयों, आज हस्तिनापुर में हम आए हुए हैं और हस्तिनापुर में देवी लोकमाता अहिल्या बाई होलकर की जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और मेरठ में प्रथम बार जो है मेरठ में पहली मूर्ति की स्थापना हुई है जो कि हस्तिनापुर से शुरुआत हो चुकी है, जिसमें मुख्य अतिथि जो है श्री अजित पाल सिंह जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एंड और जो है हस्तिनापुर के विधायक एवं राज्य मंत्री श्री दिनेश खटीक जी मुख्य अतिथि हैं। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, मैं आपको देवी लोकमाता अहिल्या बाई होलकर की जो प्रतिमा उसका जिसका अनावरण किया गया था मैं एक बार उसको दिखा दूं। ये हमारे मुकेश भाई जा रहे हैं तो आपको दिखा दूं कितनी भव्य भव्य कितनी भव्य तरीके से मूर्ति है, मैं दिखा दूं आपको। मेरठ में पहली बार इतनी बड़ी मूर्ति की स्थापना हुई है। हाँ तो अरुण पाल जी, आज आप यहाँ आए हुए हैं मूर्ति स्थापना में, कैसा लग रहा है आपको? भाइयों बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हस्तिनापुर में पहली प्रथम मिनट में प्रथम बार देवी लोकमाता अहिल्या बाई होलकर की मूर्ति की स्थापना हुई है और यहाँ पे काफी भीड़ भी इकट्ठा हुई है और काफी लोग भी आए हुए हैं, जैसे कि राज्य मंत्री पाल जी, दिनेश खटीक जी और आपके जिला पंचायत सदस्य मुजफ्फरनगर से तरुण पाल जी भी आए हुए हैं और काफी लोग आए हुए हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सबको। भाइयों देखो, पैर रखने की जगह तक नहीं है, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है, जहाँ तक आपको नजर जा रही है वहाँ तक भीड़ है, सभी लोग बैठे हुए हैं काफी। मैं दिखा देता हूँ और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत लोग आए हुए यहाँ पे, मैं मंच पे बैठे हैं सभी लोगों को दिखा देता हूँ। गाने बजाने का काफी अच्छा है, Yeah.
आज हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष विनय प्रमुख जी कर दो भाई बंद बस बना की बना ना बनना करें आ जाओ। ये आए हुए हैं बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रखा। ये हमारे ऑक्सफोर्ड जो है ऑक्सफोर्ड स्कूलर्स के चेयरमैन हैं बड़े भाई वेदपाल जी। तो भैया हम आपसे पूछ रहे हैं आप यहाँ पे जो आए हो आज जो मूर्ति स्थापना हुई है आपको यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ मतलब पाल समाज काफ़ी संख्या में पाल समाज यहाँ मौजूद हैं और हमारे पाल समाज के अजीत पाल जी जो मंत्री साहब हैं वो भी मौजूद हैं और बहुत अच्छा मतलब जो अहिल्या बाई होलकर की जो प्रतिमा बनी हुई है बहुत सुंदर बनी हुई है मतलब बार बार देखने को मन करता है और पाल समाज पूरे बढ़ चढ़ के पूरे जोश के साथ में आज इस प्रोग्राम को कर रहा है पूरी तरह से। हाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है काफ़ी संख्या में लोग आए हैं तो इसी तरह से पाल समाज एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं। यही हमारी शुभकामना है सभी के साथ में। तो भाइयों आपने सुन लिया काफ़ी लोगों से मैंने बात भी किया है तो सभी बता रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाइयों बस मैं वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा गड्डी अरुण पाल किनापुरिया तो कृपया करके उसको शेयर करते रहिएगा ठीक है। धन्यवाद भाइयों।